नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। आज की इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा, वैसे आप जैसे काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज करके बताया था और काफ़ी लोगों के कॉल्स में मेरे पास आए थे जो हमारे यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं उनके भी, तो कह रहे थे कि आपके मतलब किस तरह से वीडियो शूट करते हो उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए हमें, मतलब क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं, इसके अलावा किस तरह से कहाँ पर बैठ कर क्या पोजिशन होती है बैठने की वगैरह सारी चीज़ें, और कैसे हम वीडियो शूट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में ये चीज़ें मैं आपको थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर व्लॉग पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही व्लॉग देखने को मिलते रहेंगे टाइम टाइम पर। तो सबसे पहले मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं अभी जो है अपने रूम में हूँ, अपना जो ऑफिस है आपको पता होगा, मैंने कई बार दिखाया भी है। तो यहाँ पर ये पीछे वाला बैकग्राउंड कुछ इस तरह से, और यहाँ पर जो है ये हमारी चेयर लगी हुई है, नीचे आप देख पा रहे होंगे। तो इसी चेयर पर मैं बैठता हूँ और ये हमारी डेस्क के मेन जहाँ पर हमारा प्रिंटर और हमारा कंप्यूटर लगा हुआ है, तो बाकी बहुत सारा कचरा यहाँ पर फैला हुआ है तो इस पर ध्यान नहीं देना, सैनिटाइजर वगैरह रखे हुए हैं। और ये जो है एसी का रिमोट है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहली बात की ट्राईपोर्ड की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस साइड में जो है हमने कुछ ट्राईपोर्ड रखे हुए, पहले मैं इसी को यूज करता था। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाला जो ट्राईपोर्ड है छोटा वाला, पहले मैं इसी को यूज करता था, लेकिन अभी जो है हमने इसको चेंज कर, और ये लाइट के स्टैंड है तो इनका ज़्यादा यूज होता नहीं है क्योंकि यहाँ पर रूम में सफिशियंट लाइट ऑलरेडी है। तो अभी जो मैं यूज़ करता हूँ ये वाला ट्राईपोर्ड जो कि मैंने नया लिया है, आप देख पा रहे होंगे, आपको अच्छे से दिखाऊँ तो ये काफ़ी अच्छा ट्राईपोर्ड है, अच्छी क्वालिटी का है, क्योंकि डेली जब इसकी जरूरत पड़ती है तो मैंने सोचा इसको थोड़ा अच्छा अच्छी क्वालिटी में लिया जाए ताकि फिर रेगुलर यूज में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कुछ इस तरह से ये काफ़ी बढ़िया ट्राईपोर्ड है। अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊँ तो ये डिजिटेक की इसके ऊपर ब्रांडिंग आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर आपको दिख रहा होगा तो डिजिटेक का ही ये ट्राईपोड है। और ये है हमारी चेयर जो कि मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, और यहाँ पर इस चेयर को मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, बिल्कुल यहाँ पे कुछ इस तरह से थोड़ा पीछे लेकर, और ये जो जगह बचती है यहाँ पर मैं अपना ये ट्राईपोड जो है वो सेट करता हूँ। तो इस ट्राईपोड को रखता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से, बिल्कुल इसके सटा कर यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे होंगे ये ऐसे जो है हमारा ट्राईपोर्ड रह जाता है। और फिर यहाँ पर हमारी मोबाइल लगती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा मोबाइल है तो इसी को मैं एग्जांपल के लिए लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मोबाइल जो है वो फिट हो जाता है और ये बिल्कुल अभी रेडी है लगाने के लिए। और यहाँ पर हमें जो है ये बिल्कुल हमारा जो माइक है वो तो बिल्कुल ऐसे ही अस्त व्यस्त रहता है, बिखरा हुआ। तो फिर इस माइक को हम इसमें सेट करते हैं, और माइक को सेट करने के बाद में फिर जो है यहाँ पर बिल्कुल सामने हम बैठ जाते हैं और ये कैमरा है और इसी पोजीशन में हमारी वीडियो बनती है कुछ इस तरह से। और इसके अलावा ये जो फ्रेम आप देख रहे हो इसमें लाइटिंग लगी हुई है, अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं तो ये जो आरजीबी लाइट होती है वो मैं लगाई हुई है, स्ट्रिप लाइट है, और ये जो है यहाँ से हम इसको ऑन कर देते हैं तो फिर चलती रहती है। फिलहाल मैंने वहाँ से इसको बंद करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से काफ़ी प्यारी ये लाइट लगती है जब इसको हम ऑन करते हैं और यहाँ पर बैठ के वीडियो बनती है कुछ इस तरह से, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर ऐसे हम लोग बैठ जाते हैं और कुछ इस तरह से ये पोजीशन रहती है जो कि आपको पता ही है। और ये ऊपर एसी लगा हुआ है तो अभी जो है पूरा कमरा बंद है, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आती है। और कुछ इस तरह से ये रूम है हमारा, चारों तरफ से मैं आपको दिखाऊँ एक बार, तो ये ऊपर लाइटिंग है और ये पूरा कुछ इस तरह से जो है ये रूम है। ये पंखा अभी भी लगा हुआ है, इसका यूज़ नहीं है, लेकिन जब लाइट नहीं रहती है क्योंकि एसी का कनेक्शन जो वो डायरेक्ट दिया हुआ है हमने मेन बोर्ड से, तो लाइट कटने के बाद में जो है मतलब इन्वर्टर पे एसी नहीं चल पाता है, लेकिन पंखा फिर उस टाइम काम आता है जब जो है लाइट चली जाती है, उस टाइम पंखे को यूज़ करते हैं। और बाकी बस इतना ही कुछ है, छोटी सी चीज़ मैंने बताई। और ये देख सकते हो भारत माता की तस्वीर मैंने लगाई है यहाँ पर, तो ये भी काफ़ी अच्छा जो है एक लुक दे रही है। और कुछ इस तरह से हमारा सेटअप है जो कि मेन मोस्ट ऑफ मैं इसी बैकग्राउंड के साथ में वीडियो बनाता हूँ, ये पूरा आप देख सकते हो। तो बस ये एक छोटा सा व्लॉग था, काफ़ी आपके कमेंट्स आ रहे थे और काफ़ी सारे लोग मुझे कह रहे थे कि सर वीडियो बनाकर बताइए कि आखिर जो है आप किस तरह से और क्या क्या आपका सेटअप है और कैसे जो है आप वीडियोस बनाते हो। तो उम्मीद करूंगा आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक जरूर कीजिए, और किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए या फिर पूरा कम्प्लीट आप सेटअप टूर देखना चाहते हो एक एक चीज़ बारीकी से, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए ताकि उसको लेकर भी हम जो है वीडियो लेकर आ सके। तो चलिए दोस्तों आज के इस व्लॉग में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो हमारा वीडियो है आपको बता हुआ, जो हमने आपसे छोटी छोटी क्लिप मंगवाई थी वीडियो की, वो वीडियो आ चुके हैं, काफ़ी लोगों ने लगभग 100 से भी ऊपर लोगों ने भेजे मुझे, तो उनको शॉर्ट करके बहुत जल्द मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, शायद अगर सब कुछ सही रहा तो कल शाम तक वीडियो आ जाएगी, तो उसके लिए आप सभी लोग वेट कीजिए। और अगर आपने अभी तक नहीं भेजा कुछ कारण से तो अब भी भेज सकते हो, आपके पास टाइम है, कल शाम तक जो है उसकी एडिटिंग होगी फाइनल, तो आज शाम तक लेट तक आप जो है
वीडियो भेज सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको एक छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक जरूर कीजिए, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से जो छोटे छोटे ब्लॉग है वो देखने को मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।